Chapter 3, Introduction to HTML, Multiple Choice Question. Which one of the following is not a part of HTML structure? इनमें से कौन सा HTML structures का part नहीं है? Body head HTML, none of these. Body head HTML, तीनों ही HTML structures के part है, none of these. इसलिए answer सही है. How many types of HTML tag is available in HTML? HTML में कितने types के tags available होते हैं? 162, none of these. Answer हमारा 2. Two types के tag होते हैं, petty and container. How many default heading styles are available in HTML? HTML में कितने टाइप की हेडिंग स्टाइल्स अवेलेबल होती है? 1 to 6 नन ऑफ दिस. इसमें 6 टाइप की हेडिंग स्टाइल्स अवेलेबल होती है. नेम वन वर्ड्स. विच वन ऑफ द टैग्स हैज नो एट्रीब्यूट्स एंड एंडिंग टैग? आंसर है हमारा बीआर टैग. बीआर टैग्स का ना ही कोई एट्रीब्यूट्स होता है ना ही कोई एंडिंग टैग होता है. नेम एनी इज यूज फॉर टू राइट द कोड्स. HTML में हम कोड किस में लिखते हैं? नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस. नेक्स्ट है हमारा Write for true and for false for the following statement. Browser is used to view the output of HTML program code. Browsers में HTML के program के code का output देख सकते हैं. Answer है true. HTML define the structure of a document. Document के structure को define करता है HTML. इसका हमारा answer true है. BR tag is used to insert a horizontal line. BR tags की help से हम एक horizontal line को insert करते हैं. Answer है हमारा false. BR tags की help से हम line का break करते हैं. Answer the following question. What is HTML? HTML क्या है? HTML stand for Hypertext Markup Language. HTML एक Hypertext Markup Language. It is a computer language. A computer language which is used to create and design website. जिसके help से हम website को create कर सकते हैं और designs कर सकते हैं. Define the structure of web document. Web document के structures को भी define करती है ये. Explain the types of HTML. HTML के tags को define कीजिए. HTML has two types of tags. HTML two types के tags होते हैं, empty tag and container tag. Empty tag. It has only starting tag, not closed tag. HTML का only empty tag में starting tag होता है, closing tags नहीं होता. Example दिया. Tags line break. HR tag the horizontal line. BR tags line के break के लिए use किया जाता है. HR tag horizontal lines को insert करने के लिए use किया जाता है. Container tag it has and tags and attribute both. कंटेंट टैग्स का एंड टैग्स भी होता है और एट्रीब्यूट्स भी होता है. एग्जांपल बॉडी टैग इट्स अ क्लोज बॉडी. बॉडी टैग को जैसे हमने स्टार्ट किया है फिर हमने यहाँ पर लिख कर क्लोज किया. इस तरीके से ये इस टैग का ओपनिंग टैग भी है क्लोजिंग टैग्स भी है. डिफरेंस बिटवीन बीआर एंड एचआर टैग. बीआर टैग्स द बीआर टैग्स इज यूज टू ब्रेक लाइन. बीआर टैग्स लाइन के ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है. दिस इज एन एम्प्टी टैग. ये एक एम्प्टी टैग है. इट हैज नो एंडिंग टैग. इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है. एचआर टैग्स इज यूज टू गिव हॉरिजॉन्टल लाइन. एचआर टैग्स का यूज हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए किया जाता है. हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करने के लिए. व्हाट इज द यूज ऑफ हेडिंग टैग. हेडिंग टैग का क्या यूज है? द हेडिंग टैग इज यूज टू सेट द हेडिंग. हेडिंग को सेट करने के लिए हेडिंग टैग यूज करते हैं. इन द पेज एंड इट कंटेनर टैग्स. ये ही कंटेनर टैग्स है. द दे आर सिक्स डिफॉल्ट हेडिंग्स. में सिक्स डिफॉल्ट हेडिंग स्टाइल्स होती हैं. H1 से H6 तक होती हैं. अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टेक्स्ट साइज. जैसे ही H1 हम डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में लिखते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 ऐसे ही इसका जो साइज होता है फॉन्ट का वो भी डिक्रीज हो जाता है. इंट्रोडक्शन टू HTML.